अस्सलाम वालेकुम और ईद मुबारक। ये हमें उम्मीद है कि आज आप ये शो अपने प्यारों के साथ बैठ के देख रहे हैं, अल्लाह की रहमतें, बरकतें, नेमतों के साथ। लेकिन इससे पहले कि हम स्पेशल ईद ट्रांसमिशन का आगाज़ करें नाजरीन, सबसे पहले हम आज इस ईद में अपने सारे उन प्यारों को भी याद रखना चाहेंगे, बल्कि ईद उनके नाम ही करना चाहेंगे कि जिनके प्यारे आज उनके साथ नहीं हैं। इसी के साथ साथ यकीनन हम सब के ऊपर ये फ़र्ज़ भी है, अल्लाह ताला ने भी कहा है कि एक ऐसा मौका होता है कि हम सब मिल के खुशियाँ बांटें, प्यार बांटें। और आज जितने भी लोग इधर मौजूद हैं, हमारी नीयत सिर्फ ये है कि और कुछ नहीं तो आपके चेहरों पर एक मुस्कुराहट ला सकें। हम सारे इधर दुनिया के ही एम्प्लॉयज़, एंकर पर्सन, होस्ट सारे बैठे हुए हैं जो आप आए रोज़ हमें देखते हैं, कभी न्यूज़ बुलेटिन में, कभी टॉक शोज़ में। और यकीनन आई एम श्योर मुझे किसी का तारुफ करवाने की ज़रूरत नहीं है, मगर फिर भी स्टिल आई विल स्टार्ट। हमारे साथ तारिक मतीन साहब मौजूद हैं, आप न्यूज़ एंकरिंग करते हैं दुनिया के लिए और आप सुबह शाम देखते होंगे तारिक साहब को भी। हमारे साथ नाजिया बेग साहिबा मौजूद हैं, जिनकी मुझे लगता है कि ऐसी हंसी और मुस्कुराहट है कि जो पूरे पाकिस्तान में गूंजती है, इनका तारुफ भी नहीं करवा सकती। मगर इनके साथ जो मौजूद हैं उनका तारुफ करवाते थे तो मुझे वाकई ज़रा सी एप्रीहेंशन या डर भी लगता है, बिकॉज अजीज़ी साहब, सुहेल अहमद साहब, आप हर दिल अजीज, हर एक के दिल में है। बल्कि मैं चाह रही थी कि आज की ओपनिंग भी आप करें। आई थिंक ट्रूली पीपल वुड वांट टू लिसन टू यू फर्स्ट। नहीं, ईद का दिन है, मेरा डरावना मुंह ना दिखाएं आप। नहीं नहीं, आज सारे हंसेंगे और खुशी खुशी मुझे लगता है कि मेरा भी एक नया चेहरा लोगों को नजर आ रहा होगा। मुबश्शिर लुकमान साहब किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है, पूरे पाकिस्तान में लोग जानते हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़िया नकारे खुल के बोलते हैं, न डर हो के बोलते हैं। हमारे साथ नदिया नकवी साहिबा मौजूद हैं, आप रोज़ इन्हें देखते हैं न्यूज़ बुलेटिन में, आपको ब्रेकिंग खबरें सुना रही होती हैं। और इनके साथ मौजूद हैं जुनेद सलीम साहब, द वॉइस ऑफ रीज़न इन हस्बे हाल, आई थिंक आई वुड से दैट, मगर ऑफ कोर्स यू आल्सो द वॉइस ऑफ रीज़न, डोंट टेक दैट पर्सनली। एंड योर्स ट्रूली मेहर बुखारी, अपना तारुफ में कोई नहीं कराना चाहती बिकॉज आई थिंक हर एक के जहन में कुछ अजीब और गरीब किस्म की बातें होंगी। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विदाउट फर्दर अडू। और सुहेल साहब, मैं आप ही से आगाज़ करना चाहती हूँ। जी मेहरबानी जी, बहुत आपस की बात है कि ईद शोज जो होते हैं ना, मुझे बड़ी कोफ्त होती है, ठीक है, मैं इसी बात से आगाज़ करती हूँ कि यू नो लोग हम सारे बैठ जाते हैं और मज़े की बात है, वैसे लोग देखते भी हैं। और मेरी आज ये दुआ है जिस तरह मैंने शुरू किया कि जो भी आज देख रहे हो, अल्लाह करे उनकी शक्लों पे कोई बस मुस्कुराहट हम ला सकें, और इसका आगाज़ आप ही कर सकते हैं। जी मैं सबको ईद मुबारक कहता हूँ जी, आपको सबको, मुबश्शिर रुकमान साहब, साहब मदिया साहिबा, आप बुखारी साहिबा, बेग साहिबा, तारिक साहब, सारे माशाल्लाह करम साहब पीछे बैठे हैं, राव साहब भी हैं, करम जी जी हैं। मुझे लगता है कि वो अभी बड़े ही खुश हैं कि शो स्टार्ट हो गया है। खुदा खुदा करके। आई नो मदिया, आप मुझे बताएं, आई वुड ऑल्सो लाइक टू टॉक टू यू फर्स्ट। यू नो लोग बहुत ज़्यादा ये मुझसे तो बड़े सवाल होते हैं कि यू नो कि आप किस तरह करते हैं तैयार, ये किस तरह होता है, यू नो पहले से तैयारी होती है, बस पहुंच जाते हैं लास्ट मिनट, आपको किस तरह के सवाल यूजुअली मिलते हैं व्हेन पीपल रिकॉग्नाइज यू? जो लोग मिलते हैं अगर आप किसी भी ऐसी गैदरिंग में चले जाए तो लोग सबसे पहले पूछते हैं, अच्छा जो तुम लोग बात कर रहे थे वो सही बात है? अच्छा ऐसा वाकई सच में ऐसा है? तो हम उनको बताते हैं कि भाई हमारी बड़ी रिस्पॉन्सिबल किस्म की जॉब है और हम जॉब तक बात पहुंचाते हैं, अगर वो ऑथेंटिक ना हो, अनलेस और अंटिल हमें इसका खुद पता ना हो, हम आप तक आगे नहीं पहुँचाते। बिल्कुल। लेकिन फिर भी लोगों में होता है कि ऐसी चीज़ें वाकई होती हैं या लोग सिर्फ क्योंकि न्यूज़ की रेटिंग बढ़ाने के लिए ऐसे कह रहे होते हैं, इस तरह की बात लोग ज़्यादा पूछते हैं, तब से भी लोग से ले रहे थे आप बताएं क्या होगा, बल्कि हम तो सिर्फ न्यूज़ एंकर, प्रोग्राम एंकर तो है नहीं इनकी तरह। लेकिन लोग फिर पूछते हैं, अच्छा आप बताएं आगे क्या होगा, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट रहेगी कि नहीं रहेगी, इस तरह के सवाल बहुत भी पूछते हैं। लोगों के फेवरेट पार्टी वाले भी नहीं बता सकते। नहीं नहीं, बल्कि मुबश्शिर ये तो आपको भी सुनने को बड़ा मिलता होगा, अंदर की खबर क्या है ना, अंदर की खबर क्या, क्या होने वाला है, क्या होने वाले जैसे कि अगर हम सीधी सीधी बात करें कि जो एक नॉर्मल तजिया और जो लोगों के अपने दिल का तजिया नहीं है तो कहते हैं यार तेनों की पता है और छड़ देनो। अगर हम वही बात करें कि जो वो सुनना चाहते हैं तो फिर कहते हैं नहीं ये बड़ा काबिल आदमी है, इसकी बड़ी खबर है, इसके अंदर की नजर है। वैसे जुनेद साहब आप पे बड़ा प्रेशर होता होगा, नहीं बिकॉज आप जो तजिया देते हैं हमेशा एक टेक के साथ देते हैं कि भाई ये सही है ये गलत है। एंकर्स के साथ एक और बड़ा प्रॉब्लम आता जा रहा है, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम है, बिल्ट इन प्रॉब्लम है एंकर्स के साथ, एक ये भी हर एक के साथ, मेरे साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑनेस्टली लुकमान, इट्स ईद, ट्राई टू बी नाइस, सेकंड डे इट्स ईद। अगर अगर आप अगर एंकर्स जो है वो
पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बात करता है, अपनी किसी मामले पे ओपिनियन देता है, तो बाज़ लोग कहते हैं कि ये ऐसे बात कर रहा है जैसे इसको वही नाजिल हुई है, इसको हर मामले में ये अपनी टांग अड़ाता है, हर मामले में पूरी अथेंटिसिटी के साथ बोल रहा है, इसको क्या पता फलां ये साइंस के फील्ड में भी बोल रहे हैं। और अगर वो जरा हम्बल होकर बात करें, वो कहे जी मेरी ओपिनियन है, आई एम नॉट श्योर, फिर कहते हैं यार इसको तो पता ही नहीं कुछ नहीं, यार ये एंकर बैठा है, इसको एतमाद के साथ बात उन्होंने कहा भाई ये तुमने ये रेलवे के ऊपर इतना बात की थी, तुम्हें रेलवे के मतलब पता क्या है, तो तुमने कभी रेलवे में काम किया? मैंने तो कभी अंडा भी नहीं दिया, लेकिन अगर मेरे सामने ऑमलेट पड़ा हो तो मैं जिस मुर्गी ने उसको अंडे को दिया है ना, मैं उससे ज्यादा बता सकता हूँ उसमें कोलेस्ट्रॉल कितना है, क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है। तो ये क्या बात है। अच्छा नाजी, मैं अभी मदिया से पूछी थी, आपसे पूछना चाहूंगी, मेरा ये सवाल है, मुझे नहीं पता लोग पूछते हैं कि नहीं पूछते, क्या वाकई हर सेकंड हंसी आ रही होती है? मैंने आई थिंक आपसे एक दफा पहले भी पूछा था, मैंने पूछा था यार वो, मैंने कहा था वो नाजिब रिकॉर्डेड तो नहीं होती, कभी कभी नहीं दिल चाह रहा होता ना, नहीं मूड होता, क्यों सो ऐसा? मैं इसका बड़ी जगहों पे बैठ के पहले भी जवाब दे चुकी हूँ, लेकिन इसका सिंपल जवाब ये है, जहाँ पर हम लोग बैठे हुए हो ना, फिर वहाँ पे कंट्रोल करना मुश्किल होता है। इट्स बीन 3 years माशाल्लाह एंड स्टिल गोइंग स्ट्रांग माशाल्लाह, और इसकी हंसी थोड़ी सी लूज भी है, वो खुद ही हंस पड़ती है, लूज कैन ना अभी नाजिया अच्छी बात है। और हंसी अब तो ढूंढते हैं ना जी, कहीं से मिल जाए क्योंकि कम है, बिल्कुल, इसलिए आप करें वो हंस पड़ते हैं। आपसे अच्छा कर रहा हूँ, आपने किया तो हंसना ज्यादा बनता उस पर, लेकिन आपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सुहेल साहब को दी थी ना कि शो में, वो मुबशिर साहब उससे ज्यादा अच्छी निभा रहे हैं, वो अंडे वाली बात और सारी और आप इनके साथ है प्रॉब्लम वाली बात पे, वो आपसे ज्यादा अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं। तो दुख बांट रहा था मैं, हंसी की बात थोड़ी बता रहा हूँ, का दुख बांट रहा था। तारिक मुझे ये बताइए कि मैंने आपको बहुत ज्यादा स्पेशल ट्रांसमिशंस करते हुए भी देखा है, क्या प्रेशर फील होता है कि जब लास्ट यू नो, बिकॉज बड़े फ्यू न्यूज एंकर्स भी होते हैं जिनको ये जिम्मेदारी दी जाए कि अब बड़ी खबर आ गई अब लूज खेलो, आपकी सेंस भी होनी चाहिए न्यूज की, ओवर टाइम डेवलप हो जानी चाहिए, यू नीड टू बी एबल टू हैंडल द गेस्ट एज वेल, आप करते हैं ये और जबरदस्त तरीके से करते हैं, डू यू एंजॉय दैट, या जरा स्ट्रेस फील होता है? अब नहीं होता क्योंकि वो आदत हो गई है, 9 साल हो गए, 28 जुलाई 2002 पहला दिन था तो आदत हो गई है, इसलिए अब नहीं होता। और अब कई बार दिल चाहता है कि वो पांव बाहर निकाल के एक लेग पे ग्राउंड से बाहर मारने की कोशिश की जाए, अब वो जो थोड़ा सा आप लोग कर लेते तो कहीं किसी जगह थोड़ी सी लिबर्टी लेके वो काम भी किया जाए, तो अब थोड़ा सा इस तरह से करने की कोशिश होती है, अब वो रूटीन से हटके करने की कोशिश करती है। और मेरे ऐसे न्यूज में भी होता है कि मैं तारिक भाई के साथ जब न्यूज कर रही होती हूँ तो तारिक भाई इसमें कोई ना कोई पन ऐसे थ्रो कर देते हैं, और इतनी सीरियस न्यूज जा रही होती है, कभी कभी ऐसी होती है कि हम टॉन मारे होते हैं तो वो ऐसी कोई बात कर देते हैं कि न्यूज में आप हंस। अच्छा ये न्यूज बाय द वे, ये लाइव जो एंकरिंग हो रही होती है इसके अंदर यानी कि आपकी केमिस्ट्री भी होती है कभी कभार, आई मीन यू विल लाफ और यू विल से ऐड समथिंग जो स्क्रिप्टेड ना हो, बहुत 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 बार ऐसा करते हैं ताकि हम लोग तो एंजॉय करें, साथ हमारे व्यूअर वो भी एंजॉय करें, तो मुझे लगता है इंटरैक्टिवनेस के किंग तो मेरे साथ बैठे हुए हैं, यू नेवर नो व्हाट टू एक्सपेक्ट। वैसे आई थिंक बहुत बड़ी बात है आपको लाइव जाने दिया जाता है, बड़ी मेहरबानी है उनकी, उसके पैसे भी देते हैं ना सिर्फ लाइव जाने देते हैं बल्कि पैसे भी देते हैं। अब आज के शो में मैं इसलिए कम बातें कर रहा हूँ, इसके पैसे नहीं मिल रहे मुझे। मैं ऐसे जाता हूँ, वो भी नहीं बोल रहे, देखो ना वो भी चुप करके बैठे, इसीलिए कोई दिहाड़ीदार आदमी है, आप बड़ा दलेरी से बोल। अच्छा अच्छा ये कह रहे हैं इस हवाले से इनका लाइव जाना जो है, ये सवाल पूछा कि मुझे साहब बताइए इससे आपका क्या तंत्र है, तो ये सर के मुझसे टीवी पे पूछिएगा वैसे ना पूछेगा, ऑफ एयर नहीं पूछना, वो आदत पड़ गई है एक्चुअली, यू नो दे वेरी फ्यू पीपल, क्या पकाना है तो कह देते हैं टीवी पे पूछ लो, नहीं देयर एक्चुअली वेरी फ्यू पीपल बाय द वे कि जो आपको देना चाहते हैं ऑन द रिकॉर्ड स्टेटमेंट, यूजुअली पीपल कहते हैं ऑफ द रिकॉर्ड यार कैमरे बंद है आप पूछो, ये आज भी मेरे साथ हुआ है, वी वर आल्सो डूइंग समथिंग, रिकॉर्ड को बात हुई तो ये सर अभी नहीं मैंने जवाब देना, ऑन एयर जाएंगे तो पूछना। उसकी वजह है जी, मैं आपको बताता हूँ, ऑन अ सीरियस नोट, हम ये मुल्क है, मेरा बच्चा भी इस वक्त यहाँ पे बैठा है, बेटी मेरी घर पे है माशाल्लाह, हम जो स्ट्रगल कर रहे हैं ना, हम अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं इस मुल्क के लिए। बल्कि मेरी हमेशा जुनेद साहब एक ये एक गिला शिकवा रहता है अपने बुजुर्गों से भी कि आपने विरसे में
हमें आपके बुजुर्गों से तो हमें भी गिला है, जरा उनसे अलग में मिलेंगे। ईद है, ईद है, नहीं समझ आ रही आपको? मैं भूल गया, भूल गया। जुनैद साहब, आई वाज आस्किंग इधर नकवी इधर, मैं किथे जावां सुनील साहब? मैं दोस्तों में अच्छा सुनील साहब, मैं अकलियत ही थी, फंस गया। मैं बात तो पूछने दीजिए मुझे सुनील साहब। मैं सुहेल साहब कह रही हूँ, सॉरी जुनैद साहब, मैं आपसे पूछी थी कि मैं, मेरा गिला रहता है कि विरसे में हमें हमें ज्यादा अच्छी चीजें नहीं दी और एक ऐसा निजाम दिया है कि जिस इतना उलझा हुआ है कि उसको जरा उसकी दुरुस्तगी में ही हम अभी तक जो है फंसे हुए हैं। मैं तो आपसे इत्तेफाक नहीं करता, हमारे बुजुर्गों ने तो बहुत खूबसूरत और एक सादा सा मुल्क दिया था, सादा से लोगों की सादा सी कौम थी। इसको तो हमने कॉम्प्लिकेट कर दिया, हम लोगों ने, ये मौजूदा जनरेशन ने खराब किया। मौजूदा जनरेशन बुजुर्ग है, ये जो तीसरी जनरेशन है उसका जवाब आपके बुजुर्गों ने आपको अच्छा बोल दिया था, हमने 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 खराब किया है जी, इसे और इसे खराब करने में हम कोई कसर नहीं उठा रख रहे। तो जाहिर है कि लेकिन मेरे ख्याल आने वाली नस्ल हमसे बहुत अक्लमंद है और इंशाल्लाह ये कोई, मैं सिर्फ ये ऑनेस्ट भी है, मुझे लगता है आने वाली नस्ल हमसे, आई एम सॉरी टू से, वैसे आने वाली नस्ल बच्चे हैं, बच्चे मेरा बेटा है, बेटे हैं, आने वाली नस्ल मुझे कभी कभार मुझे डर भी लगता है, इतनी तेज हो गई है। बच्चों की बातें सुने आप आजकल, भाई हमें तो होश भी नहीं थी बचपन के अंदर, कौन 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 सी गाड़ी चला रहा है, कौन कौन किसका बाप क्या करता है, कौन इतने ज्यादा तेज हो गए और नॉट उसमें, ये उनकी माए तेज है, ये माए से कहती है उनको, जो भी घर का माहौल है ना, मुझे आपके बच्चे की कोई ऐसी बात है जिससे आप जरा कभी कभी चौंक जाते हैं? लेकिन अभी दो साल का है, लेकिन अंग्रेजी बोलता है ना, गाने सारे याद हुए अभी दो साल का है, लेकिन गाने दो साल के बच्चे को गाने सारे याद है, लेटर साउंड्स पूरी याद है, लेकिन इंडिया के, इंडिया के, ये तो नहीं है क्या? दिल दिल पाकिस्तान और जीवी जीवी पाकिस्तान बहुत अच्छा याद है। नहीं नहीं, एक तो ये भी बड़ी मजे की बात है ना सुहेल साहब, आपने सुनी होगी कि यूजुअली एक शादी के ऊपर भी बच्चे अब जाते हैं, वो कहते हैं सात फेरे कब होंगे? नहीं, वो तो एक अलग चीज है ना जी, के हमारा हमसाया मुल्क का जो कल्चर है वो हम पे हावी है बहुत हद तक, बिल्कुल। मगर जो बच्चों से एक होप है और बच्चे जो हमें अच्छे नजर आ रहे हैं, ये मेरा ख्याल है मुबशर लुकमान साहब ने जो बात की है ना जी के मुझे ऑन एयर पूछिएगा, असल बात यही है कि भाई आप कैमरे के सामने कोई और बात कर रहे हैं, कैमरे से हटके कुछ और कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। जिस दिन आपका बिहाइंड द कैमरा और फ्रंट ऑफ कैमरा बात एक होगी तो बात ठीक हो जाएगी। मेरा, मैं जब थिएटर करता था ना जी, तो मुझे गुस्सा इसी बात पे चढ़ता था कि क्यों आके एक ऑफिसर कहता है कि आज चीफ सेक्रेटरी साहब आए हुए हैं, आज जरा यार ड्रामा ध्यान से कीजिएगा। भाई आज तो चीफ सेक्रेटरी साहब आए हुए हैं, कल जो लोग आए हुए थे क्या उनकी इज्जत चीफ सेक्रेटरी से कम है? बिल्कुल। या उनकी जो फैमिली आई हुई थी क्या उनकी इज्जत नहीं है? आप वहाँ जो मर्जी दिखा लें और चीफ सेक्रेटरी साहब को आप साफ सुथरा ड्रामा दिखाएं। यही जो मुबशर साहब का की सोच है, जो इससे मैं एग्री करता हूँ, अगर सबकी ये सोच हो जाए तो हम एक अच्छा मुल्क बना, मुनाफ़त खत्म हो जाए, यानी कि आप मुनाफ़त कैमरे के पीछे और कैमरे के सामने आपकी बात एक होनी चाहिए। बल्कि मुझे ये भी, शायद हम बड़ी सीरियस बातों में जा रहे हैं, बहरहाल एक शायद ये भी कि मुझे कभी कभी महसूस होता है कि जब आपके दानिश्वरी बिक जाएं, जिन्होंने रहनुमाई करनी है, जिन्होंने फूड फॉर थॉट देना है, जिन्होंने एक एक पैशन उजागर करना है आपके अंदर से, तो फिर वेयर डू यू गो, व्हाट्स द फ्यूचर? मेरा ख्याल है कि ये जो हम दानिश्वर कहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये दानिश्वर और एंकर, मैं यही कहने वाली थी, अलग हमने हम दानिश्वर नहीं है कर लिया है कि एंकर एक दानिश्वर, मैंने इसीलिए कहा है, मैंने इसीलिए कहा है क्योंकि आपने कह दिया था मैं हूं, हमने समझ लिया है कि एंकर दानिश्वर होता है। अब अजीजी को शौक है कि इसको दानिश्वर कहा जाए और ये लड़ता है, आपस में लड़े वो एंकर आपस में लड़ रहे हैं, दानिश्वरों की बात नहीं हो रही। प्रॉब्लम एक और है एंकर्स के साथ, एक और प्रॉब्लम मैंने आज टीवी के ऊपर चैनल पे जूनियर तज़िया निगार का टाइटल नहीं देखा, हर सीनियर तज़िया निगार होता है, सीनियर तज़िया निगार, सीनियर जूनियर साफी, बेशक तो उम्र की वजह से भी सीनियर हो गए हैं, बाकियों को डर लगता है जरा जूनियर पड़े पड़े तो भट्टा भी सीनियर हो जाता है, बिल्कुल इससे ये तो नहीं कोई दानिश्वर हो गया। अच्छा नाजी एक बात बताइए, completely off this because I'm sure ki Eid ke upar I'm not saying anything yaar, I'm telling you he's on a roll, he is on a roll, ab silent votes, ab hum silent votes dalna shuru kar denge aista aista, jab votes majority ke ho jayenge to rasta, ye sirf isliye easy ho gaye shuru mein aapne brum kar diya, ab shuru mein se english mein hi rehte na to theek raha, you feeling okay buddy? I'm fine, fine. Feeling okay? He just got back from Canada. He just got back from Canada. Taddy Zubaan ke Gulbar thi, aise cho lagti hai na. Lady aise cho. Ki haal hai toda baat cho. Aise bhi bol lete hain, ki haal hai baat cho. Neele rang di peti lai, ye uniform pahi hai, topi pahi hai. Achha na, bas kijiye, ek second, main aap se poochhi thi, bada interesting sawal hai.
बिकॉज आई मीन मुझे लगता है अगेन कि ये होता होगा, अ लॉट ऑफ पीपल मस्ट एडमायर यू अ लॉट बिकॉज यू नो पीपल, लोगों को मजा आता है कि यू नो इतना हसमुख है कोई और exactly. इतना लाइट एंड एवरीथिंग, सो नेचुरली रिश्ते भी बहुत आते होंगे. आप मैरिड है बाय द वे? No. यही सवाल था. तो क्या कोई चेंज हुआ, कुछ चेंज हुआ है द वे पीपल रिएक्ट टू यू, द फैमिलीज दैट अप्रोच यू? और नहीं, इसने तवीज लिया हुआ इन बातों से, इस बात का नहीं. वो सारी चीजें हैं अपनी जगह पर, मतलब ऐसे कुछ बहुत ज्यादा प्रेशर भी नहीं, लेकिन फैमिली की तरफ से प्रेशर है कि हो जानी चाहिए और कर लो आप. तो कोई फर्क नहीं पड़ा काम के बाद? बात सुनती तुम कुछ करना चाहती है. अब तो शादी वाला घोड़ा बेचारा तंग आ गया, वो नाचना शुरू हो गया कि किस दिन इस पे चढ़ के कोई तुम्हारी तरह. ऐसा क्या करना, एक ओके 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 अभी जा रहे हैं, क्या करना चाहती हैं आप जिंदगी में शादी से पहले? फीलिंग होती है महल जैसे हर किसी को ना किसी एक मकसद के लिए भेजा हुआ है, वो मकसद कुछ भी हो सकता है एक्सेप्ट फॉर शादी ब्याह एंड ऑल दैट स्टफ. तो वो जो रिस्पांसिबिलिटी है ना, आई समटाइम्स फील कि वो रिस्पांसिबिलिटी है, मुझे सिर्फ वो देखना है कि वो क्या है. ओके, आई डोंट नो इन फ्यूचर समवेयर मतलब कुछ है जो मुझे पता चलेगा एंड आई विल डू इट. आई मीन मे बी जो हम लोग बैठे हुए तो तब तक शादी को होल्ड पे रखना है. I don't know, मतलब this is something जिसको मैं decide नहीं कर सकती. हाँ, जब वक्त आएगा. तो कितनी देर लगेगी आपको decide करते हुए? डिसीजन में कितनी देर लगेगी? नहीं, यहाँ पे जितने शादीशुदा लोग बैठे उनके क्या फ्यूज उड़ा हुआ है कोई? यानी वो सोच नहीं सकते, वो काम नहीं कर सकते. I love the debate I've started and we're going to go on a very short break. हमारे साथ रहिएगा because यही मैं करना चाह रही थी और ये हो गया. आके मदिया से भी पूछेंगे कि वो क्या करना चाहती है, बट आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक हमारे साथ रहेगा. वंस अगेन ईद मुबारक. एक दफा फिर खुशामदीद, वेलकम टू द स्पेशल ट्रांसमिशन. मुंह में कुछ हो तो बोलना नहीं चाहिए, तो इधर आप बोल लीजिए, आपको शौक है? मेरे मुंह में भी जुबान है. ये कैसे? गुड वन. खत्म कर लिया अंगूर. बड़े मजे की एक बहस छिड़ी हुई थी और ये वाकई लोगों को फील होता है कि जिनकी शादियां हो गई है ना, उनने क्या लुक फॉरवर्ड करना है लाइफ में यार. जिनकी नहीं हुई भी, हमें एक्साइटमेंट होती है, वी हैव समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू. एग्जैक्टली. देखिए जी, मेरी बात सुने. वो एक आदमी सेल साहब गया अपना एक रेस्टोरेंट मेन्यू देख के, वो एक औरत को देख रहा था, तो उसकी बीवी ने कोनी मारी. कहती है तुम शादीशुदा हो तो उधर क्यों देख रहे हो? तो उन्होंने कहा देखो भाई मैं डाइटिंग कर रहा हूँ, लेकिन अब रेस्टोरेंट में हूँ, मेन्यू तो पढ़ सकता ना मैं. जुनेद साहब की शक्ल पे एक बड़ी एक वो एक्सप्रेशन आया हुआ था अभी, वो बड़े एक दानिश्वर का. ये भी रेस्टोरेंट से आ रहे हैं, ये रेस्टोरेंट से आ रहे हैं. आप रोशनी डालेंगे इस मामले में? सब दानिश्वर एक बराबर है. नहीं नहीं, सीरियसली कोई तो रोशनी डालिए. नहीं जी, बिल्कुल. मतलब शादी के बाद ये कहना कि शादी के बाद आगे फील्ड्स आपके पास एक्सप्लोर करने के लिए नहीं है, तो बड़ी अजीब सी बात है. मेरा ख्याल है कि अच्छा, मेरा ये मतलब नहीं था. मेरा मतलब ये था कि यानी कि शादी उसमें रुकावट है. ये नहीं, ये नहीं, नहीं, ये भी मतलब नहीं था. ये टॉपिक जब भी छिड़ता है ना, जिनकी शादी हुई थी ना, वो इस तरह बैठे होते हैं, लिटिल लाइक डाउन हो जाते हैं ना थोड़ा. और जिनकी नहीं हुई थी, उनके इतने आइडियाज होते हैं सुहेल साहब, लाइक इतना एक नाइविटी होती है कि ये होगा और वो होगा और अच्छी होगी शादी के बाद. शादी के बाद ज्यादा आइडिया है पर मुबशिर साहब उस तरह साबित हो रहा है कि मुबशिर नहीं. एक मिनट, एंड में उनका गैर शादीशुदा लोगों का एक ही मिशन होता है कि किसी तरह शादी हो जाए. जितने वो लड्डू है ना, ना खाओ तो पछताओ, खा लो तो इंशाल्लाह खैर से. मदिया, मेहर अम्मी अबू का तो यही है कि जल्द अज जल्द मुझे इनसे फारिग हो जाए और जल्दी की शादी करें. लेकिन मेरा अभी नियर फ्यूचर ऐसा कुछ प्लान नहीं. आपने किधर झंडे गाड़ने? नहीं, झंडे नहीं गाड़ने, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर. नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह. कुछ महीने ही रह गए हैं. कोई मिला है? नहीं मिला नहीं, लेकिन अम्मा अब आपको पता है वो वैसे भी फर्स्ट ईयर से तलाश कर रहे होते हैं कि बच्ची के लिए मिल जाए अच्छा लड़का, उनको ऐसा मिल जाए. आपको किस तरह का चाहिए? अच्छा हो, पढ़ा लिखा हो. पैसे के लिए कभी शादी ना करें. हाँ, ये तो हज़रत अली ने भी कहा. गुजरता नहीं है तो उसके पास फार्म हाउस भी होना चाहिए. हज़रत अली का भी होनी चाहिए और दौलत भी होनी चाहिए. फार्म हाउस इस तरह का तो खर्च हो जाता है ना, आपको फार्म हाउस होना चाहिए. लुक एट हिम, मैं किधर लेके चली गई थी? आप ये बताएं, उसने तो अभी बेचारी ने देखना है. अच्छा तारिक, ओवर टू यू, ओवर टू यू. एक मिनट तारिक साहब से, या तारिक साहब बुखारी, आप शादी तारिक साहब से बात करनी है. मुबशिर साहब अब होस्ट हो गए ना एग्जाम से, ही इज आस्किंग यू, आप शादी कब कर रही? उनके मुंह में जो था वो आपने नालिया से पूछ लिया, जन्नती से आपने इससे बेचारी से पूछ लिया, आप अपना भी जवाब दें. आपने अंगूर खाए? नहीं, मैं अंगूर खटे. आप कब शादी कर रहे हैं? आप फंस गई. खैर से इंशाल्लाह, इंशाल्लाह खैर जल्दी. जल्दी का क्या मतलब?
जल्दी इंशाल्लाह। आपके घर में कैलेंडर है? कितने मंथ्स बाद? कितने महीनों बाद? आपको लगता है महीनों की गेम है? देखें लुकमान साहब का बस चले तो मेरी शादी कल कर दे। ये जब मुझे देखते हैं इनको एक ही बात, इनकी एक ही बात सूझती, शादी कब करनी, शादी कब करनी। फिर तो इन्होंने इतना बड़ा बेड़ा भी अपने सर ले लिया, कहते हैं तुम बस तुम अगले हफ्ते कर लो सारा कुछ मेरे सर पे, सारी अरेंजमेंट सब कुछ मैं करूंगा, तुम करने वाली बनो। वो उसकी वजह है ना, उसकी वजह है कि मैं आपसे तो वादा कर लिया, एंड में मैं मियामिर को बसा दूंगा, अरेंज करवाऊंगा मैं इंशाल्लाह, खैर से जल्दी करूंगी। जल्दी का मतलब क्या? बस कर दे यार, अनाउंस करते हैं आज यार, काशिफ अनाउंस करेगा इंशाल्लाह। काशिफ का शो नहीं आज, आपकी शादी के लिए सारे लोग इसलिए वेट कर रहे हैं और देखना चाह रहे हैं कि आप दोनों माशाल्लाह जो कपल है आप बड़ा फ्लुएंटली बोलते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं। हम ये देखना चाह रहे हैं कि शादी के बाद आपकी बैटरी डाउन होती है या और तेज हो जाती है, आपस में कैसे बोलते हैं। नहीं नहीं इंशाल्लाह, ये एक और निजी चैनल ने भी ये खबर चलाई थी पूरा पैकेज वगैरह, विच आई फाउंड वेरी ऑफेंसिव बाय द वे, इस दवाजी जिंदगी में क्या होगा आप क्या। आई थिंक हम सबकी एक पर्सनल लाइफ होती है, बल्कि आपने भी एक शो के ऊपर कहा था आई मस्ट थैंक यू, आई नेवर गॉट अ चांस टू। इट्स वेरी हार्ड जब आप पब्लिक लाइफ में इतना ज्यादा होते हैं, वैसे ही हार्ड होता है अगर दोनों पब्लिक लाइफ में हो तो और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। सो इट्स कभी कभार होता है ना कि आप यू टेस्ट योर ओन मेडिसिन, हम इतने नोजी होते हैं हर एक दूसरे के, जब अपने खुद चखनी पड़ती है तो जरा बंदा डर जाता है और कहता है कि यार हमें भी जरा हौला हाथ रखना चाहिए। एग्जैक्टली, अल्लाह करम करे हर एक के ऊपर इंशाल्लाह ताला। बट खैर ये मुझे बड़ा कॉन्शियस कर दिया, प्लीज यू स्टार्ट सेइंग समथिंग, ये बहुत बड़ी खबर इन लोग से चुटकी काट 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 के पानी निकाल ली। दूसरी शादी कब कर? ये शादी है कोई गुलाम अली साहब ने बड़ा मजे का जवाब दिया था। क्या गुलाम अली साहब ने पूछा गया कि दूसरी शादी के बारे में क्या ख्याल है? कहने लगे ऐसे ही जैसे कोई गलत सुर लग जाए, तो दूसरी शादी का मामला है सर। जुनैद साहब आप शादी के बाद मोमिन एक सुराख से दो बार नहीं डसा जाता, वो एक सुराख से एक बार डसा जाना काफी है। मुझे लगता है आई एम रियली सॉरी, मुझे लगता है कि आप अपनी बेगम से डरते हैं, वो आप बार बार इनका ना रंग बदलता जा रहा है चेहरे का, ये मुझे लग रहा है वो कैफियत है कि टॉपिक बदलो टॉपिक बदलो। ये अकेले नहीं है, अच्छा कोई मानता और कोई मानता नहीं, सारे हैं। ये बात तो हम अपने शो में भी बार बार कहते हैं, 95% लोग अपनी बीवी से डरते हैं और बाकी जो 5% वो झूठ बोलते हैं। 95% अपनी बीवी से डरते हैं और बाकी 5% उसकी वजह से डरते हैं, डरते सारी ये बाकी डर रहे हैं, लेकिन सुहेल साहब को तो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि जहाँ जहाँ इनका शो देखा जाता है सबको पता है कि अजीजी अपनी बीवी से बॉर्डर पे, तो सुहेल साहब नहीं, मैं अकेला नहीं डरता। मैंने शो में कहा भी था कि ये एक छोटे से छोटे बंदे से लेके मुर्शिद पाक भी डरते हैं और ये 4-star जर्नल तक सारे डरते हैं। ये कोई ऐसा होता नहीं, जो इंसान है ना जी वो डरता है अमेरिका का। मगर ऐसी क्या कैफियत बदल जाती है एक रिलेशनशिप के अंदर? हाँ एग्जैक्टली, है ना, मुझे नहीं समझ आती है। पहले आपकी दोस्ती है, अगर लव मैरिज है या चलो अरेंज भी, आजकल यू गेट टू नो ईच अदर, एक रिस्पेक्ट होता है हमेशा, मगर यू नो एक यू कैन टॉक और एक स्पेस होती है हिलने झुलने की, वो शादी के बाद एकदम कैसे कॉम्प्रोमाइज और श्रिंक हो जाती है? वो मुझे ये इतना एक्सपीरियंस के हवाले से तो नहीं मैं बता सकता, मगर बुजुर्ग कहते हैं कि अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए डर नहीं चाहिए। इसका जवाब साल बाद ऑफ द रिकॉर्ड भी नहीं आएगा, है ना? नहीं, मेरा ख्याल है इसमें एक, अगर इसका सीरियस जवाब अगर इसका है ना, तो वो एक है, वो ये है कि हम शादी के बाद बहुत सी चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। यस ट्रू। और हम जो हम अपनी कोर्टशिप के टाइम पे जिस तरह हम अपनी मंगेतर के साथ या उससे पहले अपनी दोस्त के साथ जिस तरह हम कर रहे होते हैं, वो वाइफ के साथ हम नहीं करते। आई एग्री, मुझे लगता है कि रिलेशनशिप जब इतनी सीरियस हो जाए, मुझे लगता है कि खवातीन ज्यादा सीरियस हो जाती हैं और ज्यादा एक कमिटेड हो जाती हैं एज अपोज टू मैन। टिपिकल घर की एक आर्गुमेंट, और ये हर घर की आर्गुमेंट है, इतने टाइम से क्यों आते हो, ऐसा कौन सा काम है जो इतनी देर से करते हो। अच्छा, उसी घर में जो उसने 4,000 रुपए की मुलाजमा रखी होती है ना, वो अगर हफ्ते में भी एक छुट्टी मांग लेना तो उसको लपड़ पड़ता है खबरदार। अरे पिछले हफ्ते गई से छुट्टी से, फिर यानी 24 घंटे आपने उसको काम कराना और 4,000, 5,000, 7,000 देने के बाद हफ्ते की एक छुट्टी पे तेवियां माथे पे चढ़ा लेनी, और मियां जो इतनी पैसे लेके आ रहे हैं कि जिससे उसके और आपके और कई और घर चल रही हैं,
उससे आप सवाल जो आप करें, अच्छा शो तो तुम्हारा 10 बजे खत्म हो गया था, तो आप पौने 11 क्यों आए? वैसे असूली तौर पे उसके पैसों से एक ही घर चलना चाहिए, बट चले आई लेट दिस गो। मेरी बात सुनिए जुनैद साहब, घर में काम कर, वापस घर जा रहे हैं ये कहीं और? हां मैं यही बात करता हूं अपना, एक बात बताइए, शो तो 9 बजे खत्म हो जाता है 10 बजे आपका शो? यार मैंने बताया हुआ 10 बजे, आप क्यों करेक्ट कर रहे हैं? जुनैद साहब एक बात, बात टीवी पे मरी बात कर रहे हैं। सब एक बात बताइए, आपको कौन सी बात से सबसे ज्यादा कोफ्त होती है घर में जो सुननी पड़े? घर में यही यानी बहुत ज्यादा जो पोजेसिवनेस, और ये ठीक कह रही है कि पोजेसिवनेस यानी आप ये जायज है, भाभी को लगता है कि आप पोजेसिवनेस अच्छी चीज है, और ये आपके रिलेशनशिप, भाभी को लगता है कि आपके पीछे बहुत लड़कियां आती हैं? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, खुदा ना करे क्या घर से आती है, क्या मतलब खुदा ना करे, इन पे तो मक्खी भी बैठे तो भाभी गुस्सा करती है, तब मक्खा बैठना चाहिए था मक्खी के, इनको घर पे बिल्ली रखने पे मुमानियत है, ये बिल्ला पाल सकते हैं। जुनैद साहब देख लें आपके साथ क्या हो रहा है, आपको कुछ कहना पड़ेगा। बहर ये सारे शरीफ जो मर्द हैं ना वो इसी तरह के, और मेरा ख्याल है कि ये इतना, इसको अगर दूसरी तरफ सोच लें कि ये एक आपकी खुशकिस्मती है कि आपका कोई इतना ख्याल कर रहा है, कहाँ गए थे, क्यों नहीं आए इतने बजे, क्या कहाँ? हाँ ये तो आपका कहना है बिल्कुल दोस्त है, मगर जब कर रहा होता है ना कभी कभी गुठन भी होती है ना। किसी होस्ट को इसी तरह टीवी पे मैंने उनको बताया था, वो माइंड कर गई थी, उन्होंने कहा किस किस्म की औरत को यकीन हो सकता है कि उसका मियाँ इस वक्त कहाँ बैठा है, उनका मतलब था कि मर्द झूठ बोलते हैं। मैंने कहा वो तो फिर सिर्फ बेवा औरत हो सकती है, तो यकीन से कह सकती है कि मेरा मियाँ कहाँ बैठा और कौन कहेगा। मगर इसके बरक्स आप देखिए क्या ना, ये बात दुरुस्त नहीं है कि बेशतर आदमी यकीन के साथ कह सकते हैं कि उनकी औरत का नहीं, बिल्कुल कह सकते हैं 100% कंफर्म होके कह सकते हैं इस बात पे, श्योर होके कि वो इस वक्त क्या कर रही होगी। एक फितरी बात भी है ना, अब उसका क्या करे, ये है नहीं उसकी उसकी ड्यूटी, उसकी ड्यूटी हम लोगों के केस में तो है ना कि वो एरिया है, वो एक घर है, टीवी पे देख रही है और उसके बाद खत्म हुआ, पता चल गया जी खत्म हो गया, कब तक आ रहे हैं हम लोग, इसमें तो ये था कि फोन। हां मगर हम तो इतने से ना, हम तो मेजॉरिटी की बात कर रहे हैं, हमारा अलमिया ये देखें कि हम सारी दुनिया को सबक सिखा रहे होते हैं और अपने घर में हमारा शो नहीं देखते हो, स्टार प्लस देख रहे होते हैं, ड्रामे देख रहे होते हैं। नहीं वैसे मेरे 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 वालदैन तो बड़े शौक से देखते हैं। अच्छा मैंने भी, सॉरी आपको मैं बीच में काट रही हूँ, लेकिन मैंने भी बात की थी कि हम हमारे ऊपर मुसल्लत हो गए हैं ना इन हमारे हमसाया मुल्क इंडिया के चैनल्स वगैरह, वो हम पे हो नहीं गए, हमने कर दिए हैं और वो इतने ज्यादा कर दिए हैं कि अब उनसे निकलना लगता है टाइम्स के मुश्किल हो रहा है। ऐसा ऐसा नहीं वो मसला है, अभी अभी वो 2 साल या 1 साल पहले का और अब का बहुत फर्क आ गया, ऐसा नहीं है। एक बात है फिर था, बात यह है कि सच बात यह है कि उनकी फिल्म या उनका ड्रामा प्रोडक्शन वाइज एक्टिंग वाइज हमसे बहुत बेहतर है, बेहतर होता है, जब बेहतर चीज होगी तो लोग ज्यादा देखेंगे, जब आप उस लेवल का बना लेंगे लोग आपको देख लेंगे। नहीं सॉरी देखिए ड्रामा जहाँ तक मामला है, फिल्म में वो बहुत आगे थे, ड्रामा तो आपने खुद लूज किया ना, आपने उसकी कदर नहीं की कि ये हमारे हाथ में टूल था, ज्यादा असेंबली के सेशन दिखाने शुरू कर दिए ना, वो ज्यादा अच्छा ड्रामा, कई चीजें हैं उसमें, वरना वो आपका बहुत स्ट्रॉन्ग आपके पास टूल था, आपने खुद उस हथियार को अपने हाथों से जाया किया, इसी तरह स्टेज प्ले था, फ्री मार्केट इकोनॉमी नहीं थी, एक ही चैनल था उस पर। जो मुबशिर साहब ने कहा है ना जी प्रोडक्शन वाइज और एक्टिंग वाइज, देखिए जब प्रोडक्शन जो है वो आपकी इतनी हैवी हो जाए और इतना ज़्यादा डिफरेंस आ जाए, इतना ज़्यादा करोड़ों का और हज़ारों में आ जाए बात, तो वहाँ पे जो एक्टिंग है वो भी अच्छी लगने लग जाती है, जब आपकी लाइट अच्छी है, आपका कैमरा जो है वो बड़ा एक्सपेंसिव है, आपने देखे, मैं ये सीधी सीधी मिसाल दिया करता हूँ कि आपको एक कमरा दिया जाए, उसमें एक बंदे को 1,00,000 रुपया दिया जाए, एक को 1,00,000 रुपया दिया जाए, इसको डेकोरेट करो, अब वो 1,00,000 का सामान ला के बेहंगम भी रख देगा ना जी, तो वो रिच जरूर लगेगा, वो 1,00,000 में काने और चिखों के साथ जो सजावट करनी है वो फिर किसी वक्त हीर रांझा बनती है, किसी वक्त नौकर मोटी का बनती है, जो फिर नहीं बनती किसी और से, मगर ये है कि ये चांस होता है, ये टाइम लेता है,
ये जो प्रोडक्शन का डिफरेंस है ना जी, इसको हमने हमें मानना पड़ेगा। ये कोई ऐसी कोई तस्दीक वाली या बातचीत वाली बात नहीं। सिर्फ प्रॉब्लम इतनी थी कि उन्होंने अपने इस स्ट्रॉन्ग पॉइंट को अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट समझा, उसकी कदर की। हमने अपने जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट थे कल्चर के हवाले से उसकी अहमियत को नहीं समझा और लूज कर दिया। हाँ जी, आज आज जब ट्रेन निकल गई है तो हम उस ट्रेन को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जी जी जी, बिल्कुल ठीक है। ड्रामे अच्छे भी हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपने ड्रामे पे कॉम्प्रोमाइज ही पड़ा किया। एक जमाना वो होता था कि जब पीटीवी के ऊपर, मुझे याद है, यावर साहब या कोई अयूब खावर साहब या एमएनएच साहब, ऐसे लोग कर रहे होते थे तो वो चार चार पांच पांच दिन आर्टिस्टों को बुलवा के पहले रिहर्सल्स करवाते थे, स्क्रिप्ट समझाते थे। अब इनको सेट पे जाके कह रहे थे यार ये जरा याद कर लो ये डायलॉग, क्या कैमरे के आगे खड़े होके आर्टिस्ट कहता है कि हां भाई क्या क्या क्वालिटी निकलेगी। अच्छा, ड्रामास बहुत ज्यादा है, क्या बहुत ज्यादा है, एंकर एक किसी ड्रामे में काम नहीं कर रहा, वो उसके साथ और बहुत से प्रोजेक्ट्स है जिसपे काम कर रहे हैं, इसलिए वो सिंसियर वो भी नहीं है। अच्छा, मेरी बात सुनिए, शाहरुख खान भी तो एक साथ एक वक्त में 6 फिल्मों में काम कर रहे हैं। यार ये शो है गाइस, ये ईट शो है। इसकी वजह ये है कि हमारे जो सीनियर्स हैं अब वो उस तरह हमें भी नहीं ट्रीट कर रहे जिस तरह उनको ट्रीट किया गया था ना, जिस तरह हमने सुना है कि हमें डंडे पड़े हैं और हमें नाजिया। मैं इसमें तो मैं ये कहूंगा कि जो ये जो होता है ना सीनियर का बिहेव, वो जूनियर के रिस्पॉन्स से पे डिपेंड करता है। ये कभी भी नहीं होता कि जो जो टीचर होता है ना जी, वो देख लेता है कि इस बच्चे ने कुछ सीखना है या नहीं सीखना, या ये चाह रहा है सीखना या नहीं चाह रहा। क्लास में भी आप देखें, क्लासरूम में, स्कूल के अंदर भी टीचर को चंद पसंदीदा उसके स्टूडेंट बन जाते हैं। बिल्कुल होता है, 6-7-8 ऐसे होते हैं जिसको वो बड़ा अच्छा डील कर रहा होता है और उसको पता होता है कि इन्होंने कोई पोजीशन दिखानी है। आजकल खबरों के अंदर, न्यूज के अंदर रहमान मलिक साहब बहुत इन है, तो मैं इधर से सीधे हाथ से शुरू करूंगी और उधर तक जाएंगे। रहमान मलिक साहब को अपने अपने तरीके में कोई पैगाम दे और ईद मुबारक कह दे। रहमान मलिक साहब, ईद मुबारक, और अपनी टाइयां थोड़ी सी बदल लें और इंग्लिश कम बोला करें। नाजिया, अस्सलाम वालेकुम रहमान साहब, ईद मुबारक, और बाकी आप समझदार हैं। सुहेल साहब, रहमान मलिक साहब, अस्सलाम वालेकुम जी, आपको बड़ी बड़ी ईद मुबारक जनाब। मेरा ख्याल है कि जो आप बोलते हैं अगर पहले सारे लोग मिलके डिसाइड कर लें और एक ही गुफ्तगु आपकी मंजर आम पर आए तो पब्लिक में इतनी टेंशन ना क्रिएट हो। लुकमान साहब, आपको ईद मुबारक, और मेरे से नबीला का नंबर ले लें, वो मेरे भी बाल उसने काटे। काटे यार, उनके बाल डाए हुए हैं जामनी रंग के, आप काटने की बात कर रहे हैं। वो अपना हेयर ड्रेसर का नंबर आपको ना दे दे, जरा से आप इन हो जाएं। लाइट हुई है, इन हो जाए, डाई नहीं हुए जामनी के, लाइट हुई है। नहीं यार, डाए हुए हैं, मुझे पता है ना। अच्छा फिर, आई एम सॉरी, नबीला का नंबर नहीं मैं आपको दे सकता। जी अस्सलाम वालेकुम रहमान मलिक साहब, आपको ईद मुबारक, और कोशिश कीजिए कि इस ईद पर आवाम को कोई अच्छी ईद दे दे। रहमान मलिक साहब, मेरी तरफ से भी आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। कोशिश किया करें कि जब आप खुदा न खासा जब कहीं हादसा होता है, सानिया पेश आता है, तो बोलने से गुरेज किया करें। एमी थोड़ी ना जाने देंगे ईद के दिन। ईद मुबारक कहेंगे जनाब, सब कुछ अभी पहले ही कहना है। ईद के बाद आइए और बड़े बड़े पैगाम लीजिए।